और अब आपके लाने प्रस्तुत हैं बुंदेली समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रुनेई की सफल यात्रा के बाद आज सिंगापुर पहुंच गए हैं। सिंगापुर के गृह मंत्री के शनमुगम ने प्रधानमंत्री की आगवानी करी। सिंगापुर पहुंचने पर प्रधानमंत्री को उतर रहे भारतीय समुदाय के लोगों ने गर्मजोशी से स्वागत करो। संजा खुन सिंगापुर के प्रधानमंत्री ने श्री मोदी के सम्मान में निजी तौर पर रात्रि भोज को आयोजन करो है। कल दो नेता भारत सिंगापुर रणनीतिक साझेदारी की प्रगति की समीक्षा कर हैं और आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचार विमर्श कर हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी सिंगापुर के राष्ट्रपति और दूसरे गणमान्य लोगों से मुलाकात कर हैं। वे सेमीकंडक्टर विनिर्माण इकाई भी देख भेजे हैं। इससे पहले आज भारत और ब्रुनेई के बीच उपग्रह और प्रक्षेपण यानों के लाने टेलीमेट्री ट्रैकिंग और टेली कमांड स्टेशन के संचालन में सहयोग के एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करे गए। दो ही देश आपसी हितों के सभी क्षेत्रों में द्विपक्षीय संबंधों को और प्रगाढ़ बनाने पर भी सहमत भये। भारत सरकार के श्रम कल्याण संगठन जबलपुर द्वारा बीड़ी एवं खदान श्रमिकों के अध्ययनरत बच्चों के लाने वित्तीय सहायता योजना के अंतर्गत साल 2024-25 में नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल NSP पे प्री मैट्रिक श्रेणी में शिक्षण के लाने आवेदन तिथि 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर 2024 करी गई है। पोस्ट मैट्रिक के लाने आवेदन करने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर है। शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लाने शिक्षा वित्तीय सहायता योजना में मध्य प्रदेश राज्य के बीडी चूनापत्थर डोलोमाइट लो मैग्नीज क्रोम एस खदान श्रमिकों के मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में कक्षा 1 से उच्च शिक्षा ग्रहण करने पर 1,000 रूपया से 25,000 रूपया तक छात्रवृत्ति स्वीकृत करी जाते है। योजना को लाभ प्राप्त करने के लाने विद्यार्थी नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल scholarships.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। प्रदेश में स्कूलों में पढ़वे बारे बच्चन को सफाई के महत्व को समझावे के लाने स्कूल शिक्षा विभाग स्वच्छता पखवाड़ा मना रहा है। स्कूलों में 15 सितंबर तक चलवे बारे पखवाड़ा में सफाई व्यवस्था पर केंद्रित गतिविधियां बच्चन के सहयोग से चलाई जाए हैं। ई के लाने विभाग ने जिला कलेक्टर्स और जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र लिख के निर्देश दिए हैं। पखवाड़ा के पहले दो दिनों में विद्यार्थियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई गई। इस दौरान सफाई व्यवस्था पर केंद्रित गतिविधियां करी गई। तीसरे दिन शाला प्रबंधन समिति द्वारा पालकों और शिक्षकों के बीच शाला में सफाई व्यवस्था बनाए रखने पर रणनीति तैयार करी गई। इस दौरान बच्चन को साबुन से हाथ धोबे के महत्व के बारे में भी बताओ गो। बता चले व्यक्तिगत स्वच्छता दिवस 11 सितंबर को मनाओ जे है। लघु फिल्म एवं अन्य दृश्य श्रव्य सामग्री को उपयोग करके कार्यक्रम आयोजित करो जे है। कक्षा 6वीं से 12वीं तक की किशोरी बालिकाओं को व्यक्तिगत स्वच्छता के बारे में बताओ जे है। पखवाड़े के अंतिम दिन 15 सितंबर को विकासखंड एवं जिला स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में विजेता छात्रन को पुरस्कार बांटे जे हैं। राज्यसभा के सभापति जगदीश धनखड़ ने आज संसद भवन में राज्यसभा के नव निर्वाचित सदस्यों को शपथ दिलाई। इनमें महाराष्ट्र से भाजपा के धैर्यशील मोहन पाटिल, हरियाणा से किरण चौधरी, असम से रामेश्वर तेली और मध्य प्रदेश से जॉर्ज कुरियन शामिल हैं। तेलंगाना को प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के डॉ अभिषेक मनु सिंघवी ने भी आज शपथ ली। प्रदेश में राष्ट्रीय पोषण माह के तहत विभिन्न कार्यक्रमों को आयोजन लगातार जारी है। इसके तहत आगरमालवा जिला में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को उन्मुखीकरण कार्यक्रम आज छावनी स्थित कंपनी गार्डन सामुदायिक भवन में आयोजित करो गो, जिसमें पोषण माह अंतर्गत प्रति सप्ताह की आयोजित करी जावे वाली गतिविधि की जानकारी दी गई। संगे जन आंदोलन पोर्टल पर इके आयोजन की एंट्रीज के बारे में बताओ गो। इके संगे संगे स्थानीय स्तर पर आयोजित खान पान की जानकारी, मोटे अनाजों से निर्मित व्यंजन बनावे की विधि को प्रदर्शन और पोषण वैल्यू बतात भय व्यंजनों की प्रदर्शनी भी आयोजित करी गई। इसी तरह नीमच के ग्राम फुलपुरा एवं कुंडालिया के आंगनवाड़ी केंद्र में महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा पोषण माह के तहत महिला सशक्तिकरण कार्यक्रम आयोजित करो गो है। प्रदेश में अस्पतालों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कदम उठाए जा रहे हैं। आज शासकीय जिला चिकित्सालय अनूपपुर में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर थाना कोतवाली में बैठक आयोजित भई। शासकीय जिला चिकित्सालय में सुरक्षा व्यवस्था पर सिविल सर्जन डॉक्टर SB अवधिया, नायब तहसीलदार MD चक्रवर्ती, पुलिस चौकी में पदस्थ पुलिस स्टाफ एवं प्राइवेट सुरक्षा कर्मियों के संग TI कोतवाली अनूपपुर अरविंद जैन द्वारा बैठक को आयोजन करो गो, जिसमें अस्पताल की सुरक्षा, कॉल करने वाले डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ, मरीजों की सुरक्षा के संबंधों में निर्देश खो बताओ गो। आप और अब मौसम की बातें भी बता दे तो
प्रदेश में एक बार फिर बारिश का दौर शुरू हो गया है। प्रदेश में कई जिलों में रुक रुक के बारिश हो रही है। अब तक ही मानसून सीजन में 95% यानी एवरेज 35.3 इंच बारिश हो चुकी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन तक प्रदेश के कितों कितों तेज तो कितों हल्की बारिश को अनुमान जताया है। उतई अगले 24 घंटा में झाबुआ, रतलाम, मंदसौर, डिंडोरी, सिवनी, बालाघाट जिलन में कितों कितों तेज या भारी बारिश हो सकत है। उतई भोपाल, इंदौर, जबलपुर, ग्वालियर, उज्जैन समेत अन्य जिलन में हल्की बारिश और गरज चमक की स्थिति बनी रह सकत है। तो जे हते आज के बुंदेली समाचार।